और चलिए रुक करेंगे खबरों का। कांग्रेस ने भोपाल और शहडोल की घटनाओं को लेकर सरकार की घेराबंदी शुरू कर दी है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि इन दोनों मामलों ने मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं की पोल खोलकर रख दी है। शहडोल में बच्चों की मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है और भोपाल के सरकारी अस्पताल में बिजली जाने से अस्पताल में भर्ती 3 मरीजों की मौत हुई है। कांग्रेस के संगठन उपाध्यक्ष चंद्रभास शेखर ने कहा, मध्य प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा गई है, सरकार का ध्यान जनता पर नहीं है। मध्य प्रदेश की बिगड़ी स्वास्थ्य सेवाओं और शेड्यूल मामले को लेकर कांग्रेस ने कमेटी का गठन भी किया है, जिसकी रिपोर्ट आने के बाद हम कार्रवाई भी करेंगे। आपको सबको मालूम हुआ कि शहडोल के जिला शासकीय अस्पताल में 11 बच्चों की मौत दिनांक 11 तक हो चुकी थी, 4 तक, उसके बाद में लगातार मौतें हो रही है। और जो कोरोना में हमारे नागरिक जो अस्पतालों में हैं, कई जगह से ऐसी सूचना आई है कि वहाँ ऑक्सीजन की कमी हो रही है। वो कल ही जो घटना घटी है वो घटना तो बहुत ही दुखदायक है, ये मानवीयता के खिलाफ है। और इस तरह यदि अचानक बिजली जाने से कोई कारण होता है तो जनरेटर 2-3 लगाना चाहिए। इस समय सारे मानवता के सामने, देश के सामने और प्रदेश के सामने कोरोना का संकट है। कोरोना के मरीजों को पूरी तरह सुविधा मिलनी चाहिए, ऑक्सीजन मिलना चाहिए, दवाई मिलना चाहिए, इसको देने का दायित्व सरकार का है, किंतु भाजपा सरकार इस दायित्व को निभाने में पूरी तरह असफल है।